अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए। आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल्ड किसान आंदोलन को सपोर्ट कर, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं, संपत्ति के किस कुछ ना कुछ तो इसके रिपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। देखता है ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट द फार्मर्स आर डूइंग एंड आई फुली सपोर्ट द फार्मर्स एंड आई विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद देम। मार्क माय वर्ड्स, टेक इट फ्रॉम मी, दीज लॉज द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू टेक देम बैक। रिमेंबर व्हाट आई सेड, mark my words, take it from me, these laws the government will be forced to take them back, remember what I said, thank you। many months later, साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। बस हवा निकल गई। खुले मन से उन्हें समझाते रहे, अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। चल चूटा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से, वंस मोर मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है, कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। भक्तजनों कैसे हो सालों? Big thank you for being here.